हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गरारे की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये हमारी गरारे की कुर्ती है, ये हमारा नीचे का गरारा है। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, पहले इसे यहाँ से ये वाला जो बाजू ज्वाइंट है इसे पहले हटा लेंगे खोलकर। देखिए, एक इधर साइड है और एक इधर साइड है, ये दोनों बाजू हटाएंगे, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे आसान तरीका से मैं आपको गरारे की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, इसे पहले साइड करेंगे ये गरारे को, और इसे क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये हमने क्या करना है, हमें नेक में कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें नेक पीछे का भी इतना ही, बैक साइड का भी हमें इतना ही रखना है, और फ्रंट साइड का भी हमें इतना ही रखना है। अगर आप इसमें कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, बट मुझे इतना ही छोटा सा नेक रखना है। तो हमें चलते हैं, इसकी साइड की जो हमारी चेस्ट, कमर और हिप का नाप लेंगे, और लंबाई भी हमें पूरा लॉन्ग ही रखना है, इसकी लंबाई कट नहीं करना है। अगर आप इसकी लंबाई शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे कट करके फिर से ये लेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बट मुझे लंबाई में कुछ नहीं करना है, ये पूरा इतना ही हमें रखना है लंबाई। तो चलते हैं इसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसे फोल्ड किया था, पहले इधर साइड से ये फ्रंट का कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक की कटिंग करेंगे। तो फिर हमें जो है इसकी चेस्ट की साइज देखनी होगी, और हमें शोल्डर देखना होगा। तो हमारी ये जो शोल्डर है वो हमें रखना है ये 4 इंच, यानी कि 4 इंच। हमने 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे ये ऊपर में, और यहाँ से आर्म होल की साइज देखेंगे। तो फिर हमें आर्म होल जो रखना है वो हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने 1 इंच पे निशान लगाए। अब यहाँ से चेस्ट की साइज हमें 9 इंच रखनी है, 36 इंच है, तो 9 इंच पे यहाँ से एक निशान लगाएंगे, ये देखिए। और यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए एक 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये हमने एक 12 इंच पे, और एक हमें 18 इंच पे ये निशान लगाना है। तो ये हमने 3 निशान लगाया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये 8.5 इंच रखना है कमर, तो 8.5 कमर पे निशान लगाएंगे, और ये है ये हिप जो है वो हमें 9 इंच ही रखना है। तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया। अब इसकी फिटिंग की निशान लगा लेंगे, यहाँ से ये फिट हो गई ये। अब हम मार्जिंग लेते हुए यहाँ अब इतना मार्जिंग ले लेंगे, 1.5 से 2 इंच आप मार्जिंग लेंगे। अब इसकी नीचे की, तो फ्रेंड्स आप कभी भी इस कुर्ती की कटिंग करेंगे तो यहाँ से ये इसे पहले बीच से ओपन करेंगे। बीच से हमने ये अच्छे से फोल्ड किया था, और इसे क्या किया है, बराबर करके अब इसकी कटिंग करेंगे। नीचे का हमें घेरा जो रखना है वो हमें रखना है 12 इंच कम्प्लीट, हमें 12 इंच रखना है। तुमने 12 इंच पे एक निशान लगा लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, पहले ये एक निशान लगाएंगे फिटिंग का, और एक हमने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा चाक बनाने के लिए लेंगे। अगर आप इससे ज्यादा रखना चाहते हैं तो नीचे का घेरा ज्यादा भी रख सकते हैं, बट ये ज्यादा हमें नहीं रखना है, ये स्ट्रेट में ही हमें रखना है। अब इसकी क्या करते हैं, कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच का ये गोलाई देंगे, देखिए ये हमने 1 इंच का गोलाई दिया। अब इसकी कटिंग करके रेडी करते हैं। तो चलते हैं इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आसान तरीका है ये कुर्ती की कटिंग करना, ये देखिए ये हमने कटिंग कर ली है, यहाँ से इसे कट कर देंगे, ये हमने यहाँ तक इस कटिंग किया। अब हमें चलते हैं, हम इसी को रख करके इधर साइड से बैक वाले की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से बराबर कर लिया, इसी के बराबर सारे को कट कर लेते हैं बैक वाले पार्ट की, ये देखिए जितना हमने फ्रंट वाले की कटिंग किया उतना ही हमें ये बैक वाला कट करते जाना है। ये हमारी एक साइड की कटिंग हो गई, दूसरे साइड का भी कटिंग इसी तरह से कर लेते हैं। देखिए इधर साइड का, फिर इधर साइड का भी हमें कटिंग करना है बिल्कुल इसी के बराबर, ये हो गई। इधर साइड का भी कट कर लेंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारी कटिंग हो गई, और नीचे में ये हमें फोल्ड हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, क्योंकि ये नीचे में हमारी ये स्टिचिंग में, ये फ्रंट वाला में हमारा लेस है, बैक वाले में लेस नहीं है। तो ये इतना नीचे पीछे की साइड ये हमारा स्टिचिंग हो जाएगा। और यहाँ से इधर साइड से भी हमें उतना ही फिट का निशान लगाना है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारी चाक बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, बाजू की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी बाजू है कुछ इस तरह से, डिजाइनर बाजू है, इसकी लंबाई आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें बाजू की लंबाई रखनी है 20 इंच, 20 इंच पे निशान लगाएंगे ये, और इसकी गोलाई देखिए यहाँ से 6 इंच पे ये निशान लगाएंगे ये इस तरह, और यहाँ से हमें क्या करना है, ये 2 इंच डन करना है, ये देखिए इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए फिटिंग का। अब इसकी फिटिंग कर लेंगे, नीचे में हमें इसी शेप में हमें ये स्टिचिंग करके रेडी कर लेंगे। फिर तो हमें ये कटिंग कर लिए। अब ये जो है हमारी इस तरह से ये बाजू फिटिंग होगी, यहाँ से इस तरह से ये फिट होकर लग जाएगी। अब मशीन पे चलते हैं, पहले बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले आगे की तरफ से इसे 1/2 इंच हम कट भी कर लेते हैं, इधर की साइड
की तरफ से दोनों को बराबर करके आगे की तरफ हाफ इंच कटिंग करना है। तो हाफ हाफ इंच आप कट करेंगे तो देखिए ये हमने हाफ हाफ इंच ये निशान लगा लिए आगे की तरफ, ये कटिंग हो गई। अब चलते हैं बाजू ज्वाइंट करते हैं शोल्डर के पास से बीच सेंटर से और ये फिटिंग करेंगे, उसके बाद चाक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मशीन पे आ गए हैं, तो पहले हमें बाजू ज्वाइंट करना है। ये जो हमने यहाँ से एक कट का ये जो निशान लगाया है इसके ऊपर इस तरह से इसे डालना है और इसी से हमें एक इधर साइड से ज्वाइन करके रेडी करना है, फिर एक उधर की साइड से पहले ज्वाइन करेंगे। तो पहले चलिए इस तरह से बीच सेंटर से हमें शोल्डर के बीच से डालेंगे और इसे ज्वाइन करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये एक साइड का ज्वाइन किया, अब इधर साइड से फिर इसे ज्वाइन करेंगे, इधर साइड पकड़ेंगे और इधर साइड से ज्वाइन करते जाएंगे बाजू। तो फ्रेंड्स हमारी ये एक बाजू ज्वाइन हो गई, अब दूसरा बाजू भी इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने डायरेक्ट वाला ज्वाइन किया, अगर आप इसे बाद में भी ज्वाइन करके लगा सकते हैं, फिट करने के बाद भी ये बाजू ज्वाइन हो जाती है। तो हमने ये डायरेक्ट वाला बाजू ज्वाइन किया, अब दूसरा बाजू भी इसी तरह से ज्वाइन करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड दूसरा बाजू भी इसके ऊपर डालना है, ये देखिए यहाँ पे यही बीच, ये जो हमारी शोल्डर के बीच है और ये बाजू का बीच सेंटर, ये दोनों सेंटर को बराबर करेंगे और ये हमने कट का निशान लगाया हुआ, इसी कट के निशान से हमें ये बाजू ज्वाइंट करते जाना है। इधर की साइड ज्वाइंट हो गई, अब उधर का साइड ज्वाइंट करते हैं। इधर की साइड से ये इसके ऊपर इधर साइड से मिला लेते हैं और यहाँ से इसे स्टिच करके बाजू ज्वाइंट करते हैं। तो फ्रेंड इधर भी साइड ज्वाइंट हो गई, तो हमारा ये दोनों बाजू ज्वाइंट हो गया। अब चलते हैं इसकी फिटिंग करते हैं बॉडी की और ये बाजू से बॉडी फिटिंग करके रेडी करते हैं, उसके बाद चक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी बाजू फिटिंग की जो निशान है, इसी फिटिंग के निशान पे बाजू से बॉडी फिट करके रेडी करते हैं। अगर कम हो तो आप कम भी करेंगे, अगर ज्यादा बाजू की साइज हो तो ज्यादा फिटिंग कर देंगे, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग करेंगे। तो नीचे में हमें बिल्कुल किनारे ही चलाना है क्योंकि ये बेल स्लिप जैसा ये डिजाइनिंग है, लगाते जाएंगे बॉडी भी फिट करते जाएंगे। तो जितना हमारा ये निशान है इसी निशान पे हमें फिटिंग करके रेडी करना है इस तरह। तो फ्रेंड्स ये हमारी बॉडी फिटिंग होकर एक साइड की रेडी होगी, अब दूसरे साइड का भी इसी तरह से हमें फिटिंग करना है। ये देखिए मैं ऊपर में घुमा लिया, अब दूसरे साइड भी ये जो हमारी निशान है इसी निशान पे फिटिंग करके रेडी करना है बाजू से बॉडी तक। तो चलते हैं फिटिंग करते जाते हैं दूसरे साइड में, ऊपर में हमें ज्यादा फिटिंग करना है, नीचे में हमें उड़ेल जैसा फिटिंग करना था। तो इस तरह से सारे को फिटिंग करके रेडी करते जाते हैं, नीचे तक फिट करते जाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी फिटिंग हुई, ऊपर तक इस तरह से हमने घुमा लिया, ये हम कट कर देंगे, ये हमारी बॉडी फिट हो गई। अब चलते हैं चाक बनाते हैं और इसे रेडी करते हैं। फ्रेंड चलते हैं चाक बनाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से इसे फोल्ड करना होगा, देखिए अंदर की तरफ हाफ हाफ इंच और इस तरह से फिर हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इसी फोल्ड को हमें इसके किनारे किनारे स्टिच करके ये चाक को रेडी करते हैं। साड़े को हमें इसी तरह ये फोल्ड करते जाना है और चाक बनाते जाना है, फिर इधर की साइड घुमाना है, देखिए इधर की साइड, और इधर भी हमें सीधा सिलाई यानी कि सीधा स्टिचिंग करना है और इधर साइड वाले को भी चाक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इधर साइड वाले को फोल्ड कर लिए, इधर की साइड से हमें इधर साइड से मुड़ाएंगे और इसे भी हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे चाक को रेडी कर लेंगे। देखिए ये चारों तरफ हमें इसी तरह से रेडी करते जाना है चाक। तो फ्रेंड ये हमारी एक साइड की हो गई, दूसरा साइड भी सेम इसी तरह से फोल्ड करके रेडी करते हैं। तो वो इधर की साइड से ये देखिए इधर की साइड से हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ करना है और इसे फोल्ड करते जाना। तो चलते इसे फोल्ड करते हैं, उसके बाद हम नीचे का रेडी करेंगे। इस तरह से ये फोल्ड करके हमें रेडी करते जाना है चाक। फिर इधर की साइड से भी लाना है, इधर की साइड चाक को इधर की साइड और सीधा एक पहले स्टिच कर लेंगे, ये इधर की साइड फोल्ड करके, ये देखिए हम इधर की साइड फोल्ड कर लिए, फिर इधर की साइड लाना है और इधर भी सीधा हमें स्टिचिंग हाफ हाफ इंच अंदर करते हुए इसे स्टिच करके ये चाक को रेडी करते जाना है। तो फ्रेंड्स हमने ये इसे स्टिच करके रेडी कर लिए, तो ये हमारी चाक दोनों साइड की हो गई। अब हमें नीचे का फोल्ड करके रेडी करना है। तो फ्रेंड्स हमने नीचे में ये बराबर करके इसे हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए इसे हमने फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह। तो हमें साड़ी को फोल्ड करके ये रेडी करते जाना है नीचे वाला चाक। तो फ्रेंड्स ये हमने साड़ी को स्टिच करके तो हमने ये चाक को रेडी कर लिए, इधर साइड से घुमा करके इसे कट कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारी कुर्ती हो गई कंप्लीट रेडी, कितनी फिनिशिंग से ये हमने कुर्ती
स्टिच करके रेडी कर ली है गरारे की। ये हमारी कुर्ती थी, तो फ्रेंड देखिए कितनी खूबसूरत ये हमारी कुर्ती बनने पे लग रही है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये गरारा के नीचे, ये जो हमारा गरारा है नीचे में, इसको इस तरह से ये डालेंगे, देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा कुर्ती का लुक लगेगा। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ये हमारी ये गरारा नीचे में हमने डाल लिया। अब इसके ऊपर से कुर्ती को डालेंगे, देखिए डालने से कितना प्यारा ये हमारा कुर्ती लग रहा है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये आज की गरारे की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इसकी नेक की साइज बड़ा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे और यहाँ से आप नेक की साइज बढ़ा सकते हैं। बट मुझे नेक की साइज छोटी ही रखनी थी क्योंकि कुर्ती डिजाइन हमें बनाना था, तो ये हमने नेक का साइज छोटा रखा है। तो फ्रेंड्स वीडियो आज की ये हमारी गरारे की कुर्ती की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।